हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो अगर आपने एलएलबी पास कर रखा है तो आपके लिए सरकारी नौकरी का बहुत ही बढ़िया मौका आ गया है। जी हाँ, तो साथियों क्या है काम की खबर, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पर साथियों अगर आप अपने परिवार पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काम की खबरें अपलोड की जाती हैं। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो जी हाँ, आपके लिए सरकारी नौकरी का बहुत ही बढ़िया चांस आ गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भाई साहब लॉ ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल में शुरू नहीं की गई, पर इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपकी 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे 23 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी आपकी 25 दिसंबर से 23 जनवरी के बीच इस पर आवेदन होगा। ध्यान रखें कि अप्लाई कर दें, क्योंकि अंतिम तिथि बीतने के बाद मौका नहीं मिलेगा, वो तो सबको पता होता है। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉ ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी न्यूनतम 25 और अधिकतम 30 होनी चाहिए। वहीं इस पोस्ट पर सामान्य और अन्य उम्मीदवारों को 400 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC ST OBC अभ्यर्थियों को 300 रुपये की फीस देनी होगी। इसके अलावा हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, ऑक्यूपेशनल डिमॉन्स्ट्रेटर और अन्य पदों पर भर्ती के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्तियाँ मेडिकल एजुकेशन के तहत निकाली गई हैं। इसके तहत कुल 299 पदों पर नियुक्तियाँ होनी हैं। ऐसे में इन पदों पर इच्छुक और उम्मीद वार 16 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। आवेदकों को यह मौका 15 से 19 जनवरी तक दिया जाएगा। आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन करेक्शन की डेट बीत जाने के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साथियों काम की खबर दी जो हमने आपको बताई, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।